हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को दोनों को डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम फीमेल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो उससे पहले हमने जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें 2 पार्ट्स की बात की थी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट जो कि एक स्टेमेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसको हम बोलते थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मैंने बोला था स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी, जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं, ये क्या बना देते हैं हमारा मेगा स्पोरोफिल। क्या बनाता है? मेगा स्पोरोफिल। कार्पल को ही हम साइंटिफिकली मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल था, यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला के कार्पल का फॉर्मेशन करते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो सबसे अपर पार्ट होता है, जिस पर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक करते हैं। पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू, स्टाइल जो होता है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैंने बताया था कि ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये स्टिग्मा होता है जिस पर पोलन ग्रेन्स आते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, पोलिनेटर्स के थ्रू। और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ये पाथवे होता है कहाँ तक पहुँचाने के लिए, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर 3 सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और 1 एग सेल होता है। इस एग सेल के थ्रू, एग सेल से जो पोलन ग्रेन होता है ये फ्यूज़ होके क्या बना देता है, फ्यूज़ होके जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन में जो मैंने आपको बताया था। तो स्टाइल तो हो गई ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। अब बात करें हम ओवरी की, तो ओवरी एक स्वेलन पार्ट होता है। इस स्वेलन पार्ट के अंदर जैसा मैंने बताया था कि एग सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कार्पल की, तो कार्पल कई प्लांट्स के अंदर या कई फ्लावर के अंदर सिंगुलर होता है, उसको तो बोलते हैं हम एपोकार्पस। अगर ये फ्यूज फॉर्म में मिलता है तो ये सिनकार्पस होता है। सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। अगर फ्यूज फॉर्म में अगर मिलते हैं कार्पल, उनको बोलते हैं हम सिनकार्पस, और अगर सेपरेट फॉर्म में मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हम एपोकार्पस। मैंने बताया ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो कि उसकी यूनिट होती है, उस यूनिट को हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, जिसके अंदर मेल या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं। ये तो हुआ हमारा एक रफ स्ट्रक्चर या फिर रफ थ्रोबैक, जिससे कि हमें हेल्प मिले कि जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव के, तो हमें पता होना चाहिए कार्पेल क्या हैं, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, ओवरी का क्या हेल्प है, ओवरी क्यों, ओवरी के अंदर ही क्यों एग सेल प्रेजेंट होता है, एग सेल को हम क्या बोलते हैं। ये सब मैंने अभी इसमें आपको डिस्क्राइब किया। अब आगे जो है मैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल मैंने अभी बताया था, ओवरी के अंदर स्मॉल 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो, अगर आप यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। मैच्योर ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म के प्लांट के अंदर हम देखते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके यहाँ से बात करें, ये जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्टॉक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ओव्यूल जो अटैच होता है फ्यूनिकल से,
और जो पॉइंट जिस पॉइंट से फ्यूनिकल वो पॉइंट होता है जो कि ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने में मदद करता है, और हिलम वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये दोनों पार्ट जो फ्यूनिकल और हिलम हैं, ये दोनों ही ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने वाले पार्ट होते हैं। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अपर पार्ट चल्जा और लोअर पार्ट माइक्रोपाइल, अगर इसके चल्जा पार्ट को देखें तो चल्जा पार्ट के नीचे आप ये एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियो सैक, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड सेल, ये सब देख रहे हैं। पर इनको देखने से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट हैं। इस लेयर्स को, इन लेयर्स को हम बोलते हैं, ये जो थिक लेयर ओव्यूल के ऊपर पाई जाती है, इनको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो होता है ओव्यूल को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देने में मदद करता है। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं मोस्टली एक या दो इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इंटेग्यूमेंट का नंबर वन होता है, अगर वो सिंगुलर वे में पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं यूनिटैग्मिक। अगर वो दो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं बाईटैग्मिक। बाई का मतलब होता है टू, यूनि का मतलब होता है वन, यानी यूनिटैग्मिक यानी कि नंबर ऑफ टैगमेंट इंटेग्यूमेंट कितने हुए, वन। और अगर बाईटैग्मिक है तो नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट कितने हुए, दो। अगर ए टैगमिक है तो ए का मतलब होता है विदाउट। विदाउट इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल होते हैं उनको बोलते हैं हम ए टैगमिक। तो ये तो बात हुई हमारे इंटेग्यूमेंट्स की। इंटेग्यूमेंट्स वो लेयर्स होती हैं जो कि हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्ट और नरिश करने में मदद करती हैं। अगर हम इसके चल्जा पार्ट के तरफ पे सेल देखें, ये जो तीन सेल आपको अपर साइड में चल्जा साइड में दिख रही हैं उनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। ये सबसे अपर पार्ट में, ओव्यूल के सबसे अपर पार्ट में जो सेल्स, थ्री नंबर ऑफ थ्री सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। उसके बाद आती है हमारी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जैसे पोलन सैक थी जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, ऐसे ही हमारे एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर जब फ्यूजन हो जाता है हमारे पोलन ग्रेन और एग सेल का तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट से एम्ब्रियो का। वो एम्ब्रियो जो डेवलप करता है वो इस एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है। उसके बाद बात आती है ये पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई टू नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोपाइल साइड में होते हैं। अगर हम बॉटम में माइक्रोपाइल साइड की बात, ये सेंट्रल सेल होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई जो होती हैं ये सेंट्रल सेल होती है, एंटीपोडल अपर होती हैं, एग सेल और सिनर्जिड सेल जो होती हैं ये हमारे लोअर सेल्स होती हैं। किसके अंदर, मैच्योर ओव्यूल के अंदर। मैच्योर ओव्यूल के अंदर अगर हम लोअर सेल्स की बात करें लोअर साइड में, तो सिंगल नंबर में तो एग सेल प्रेजेंट होती है और टू नंबर्स में हमारे सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं। तो ये हुआ हमारा किसका, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को कई डायरेक्शन में देख सकते हैं, हर प्लांट के अंदर ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। इसके भी कई डायरेक्शंस और कई फॉर्म्स होते हैं, इसको मैं आगे डिफाइन करती हूँ। तो अगर हम ओव्यूल्स के टाइप्स की बात करें तो मैच्योर ओव्यूल जो होते हैं वो सिक्स टाइप्स के होते हैं। उनमें से अगर पहला, सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो होता है ऑर्थोपस ओव्यूल। ऑर्थोपस ओव्यूल जो होता है इसके अंदर चल्जा, माइक्रोपाल और फ्यूनिकल जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पॉलीगोनेसी और पिपरेसी फैमिली के अंदर इस तरीके का ओव्यूल का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइल हुआ, ये चल्जा हुआ और ये फ्यूनिकल हुआ। ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं। अगर ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में जब प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप को हम बोलते हैं ऑर्थोपस ओव्यूल। दूसरा जो आता है हमारा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो
हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल के सेकंड टाइप को अगर देखें तो उसको बोलते हैं हम एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्यूनिकल जो होता है वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, जिससे जो हमारा चल्जा और माइक्रोपाइल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं दोनों। पर इसका जो माइक्रोपाइल होता है वो हीलियम के पास में जाके जुड़ जाता है। इसलिए अगर हम आप में देखें तो ये जो माइक्रोपाइल का जो पार्ट होता है बेसिकली वैसे ये सेपरेटेड पार्ट होता है, इसके इंटेग्रमेंट लेयर जो होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइक्रोपाइल जो होता है वो हीलियम के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। हीलियम जो होता है और ये फ्यूनिकल जो होता है वो 180 डिग्री रोटेट करके चल्जा और माइक्रोपाइल को एक लाइन में ले आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये होता है हमारा चल्जा पार्ट और ये होता है हमारा माइक्रोपाइल पार्ट। ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, क्योंकि ये जो फ्यूनिकल पार्ट जो होता है ये एक 180 डिग्री में रोटेट कर जाता है। ये जो होता है ये गैमोपेटलाई फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। इसके थर्ड पार्ट जो होता है वो मैं बताती हूँ। अगर हम तीसरे टाइप ऑफ मैच्योर ओव्यूल की बात करें तो वो तीसरा टाइप होता है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। अगर हम तीसरे टाइप को यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, चल्जा और माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते हैं। इसमें जो चल्जा जो होता है वो फ्यूनिकल से राइट एंगल का फॉर्म करता है, यानी कि 90 डिग्री पर वो रोटेट करता है। और इसमें जो न्यूसलस और एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो हॉर्स शू शेप बनाते हैं। अगर इसमें बात करें माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल जो होता है वो फ्यूनिकल के क्लोज़र में आ जाता है। अगर देखें इधर तो ये है इसका चल्जा पॉइंट, ये है इसका फ्यूनिकल और ये है माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल के 90 डिग्री एंगल पर ये इसका फ्यूनिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, तो इस तरीके से एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें चल्जा जो होता है वो राइट एंगल के फॉर्म में होता है, न्यूसलस और एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो हॉर्स शू शेप बनाते हैं, माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के क्लोज में आ जाता है। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये जो होता है ये क्रूसीफेरेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है जितनी भी हमारी पल्सेस होती हैं, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर हम कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं। चौथा जो होता है हमारा वो मैं बताती हूँ आपको। तो अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें ओव्यूल के, तो वो होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है, जो माइक्रोपाइल और चल्जा होते हैं वो दोनों 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, फ्यूनिकल से। तो ये दोनों 90 डिग्री का फॉर्मेशन करके किससे, फ्यूनिकल से, एम्फीट्रोपस ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्यूनिकल है, ये चल्जा है, ये माइक्रोपाइल है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, किससे, फ्यूनिकल से। तो ये हुआ हमारा चौथा टाइप। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल के अंदर पांचवा जो होता है हमारा आता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस जो होता है ये रेनन्कुलेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल और चल्जा फ्यूनिकल से राइट एंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। छठवा आता है हमारा सिर्सेनोट्रोपस कैक्टेसी। इस कैक्टेसी फैमिली के अंदर होता है सिर्सेनोट्रोपस जो ओव्यूल का टाइप जो होता है ये कैक्टेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। इस ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल जो होता है वो बहुत बड़े साइज में ओव्यूल को कवर कर लेता है। फ्यूनिकल जो होता है वो बहुत बिग साइज में हो जाता है और ओव्यूल को पूरा राउंड शेप में कवर कर लेता है। उस छठवें टाइप को हम बोलते हैं सिर्सेनोट्रोपस, जो कि कैक्टेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। तो ये तो हुए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ
फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया था फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम देयर माइक्रो मदर सेल। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगा मदर सेल। मैंने एक स्टार्टिंग जब इस चैप्टर की कराई थी तो मैंने एक सेल का नाम लिया था, आर्किस्पोशियल सेल बताई थी मैंने, आर्किस्पोरियल सेल बताई थी। आर्किस्पोरियल के मैंने दो टाइप बताए थे, आर्किस्पोरियल में एक होता है प्राइमरी पेरिएटल सेल, दूसरा होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो पेरिएटल सेल ने तो एंथर वॉल की लेयर्स का फॉर्मेशन कर लिया था, स्पोरोजेनस सेल जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करें, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है। ये जब ये इसका जो न्यूक्लियस होता है ये जब माइटोटिकली डिवाइड होता है तो फोर हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं टेट्राड, ये इसके फोर हैप्लॉइड सेल्स हैं जिसको हम मेगास्पोर्स भी बोल सकते हैं। ये मेगास्पोर्स जो होते हैं इनमें से तीन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और आगे वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो होता है वो फंक्शनल सेल होता है या फिर हम कह सकते हैं एक्टिव सेल होता है जो कि आगे फर्दर डेवलपमेंट करता है। ये इस तरीके से डेवलप हो रहा है इसका जो, ये शुरुआत में यूनिसेलुलर है, ये इसका चेजल पोल है, ये इसका चेजल पोल है और ये इसका माइक्रोपाइल पोल है। इसके माइक्रोपाइल पोल में और चेजल पोल में फिर डिवीजन होता है, सिंगल से ये डबल सेल हो जाता है, डबल सेल से फिर ये फोर फोर सेल्स में डिवाइड हो जाता है दोनों पोल्स पे, यानी कि टोटल कितने सेल का फॉर्मेशन कर लेता है ये दोनों सेल्स, दोनों पोल्स को मिला के एट सेल फॉर्म कर लेता है। अब ये जो ये फोर सेल्स हैं इनमें से एक एक सेल जो है वो सेंटर में मूव करके पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। पोलर न्यूक्लियाई फर्दर डेवलप होके सेकेंडरी सेल्स बनाते हैं। सेकेंडरी सेल्स पोलर न्यूक्लियाई बनाने के बाद में जो इसके चेजल पोल पर एंटीपोडल सेल्स आ जाते हैं, थ्री एंटीपोडल आ जाते हैं, और इसके माइक्रोपाइल पोल पर थ्री एग एपरेटस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें एंटीपोडल सेल्स और एग एपरेटस सेल्स, ये तीन और ये तीनों, दो तीनों के तीनों यानी कि सिक्स सेल्स जो होती हैं ये हैप्लॉइड नंबर्स में होती हैं, और जो इसके पोलर न्यूक्लियाई सेल्स जो होते हैं ये डिप्लॉयड नंबर में होते हैं। अगर देखें एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो तीन नंबर में होती हैं, तीन होती हैं नंबर्स में, और ये चेजल पोल पर प्रेजेंट होती हैं। एग एपरेटस के अंदर अगर एग एपरेटस कंप्लीट बात करी जा रही है तो एग एपरेटस जो होता है वो एग सेल और सिनर्जिक सेल से मिलकर बनता है। तो ये तो हुआ हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरीके से एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आज इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा है। थैंक यू।